रघुवीर सिंह कुजनीवाल जलालाबादी। रघुवीर जी, जिस तरीके से आप यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, पहले तो वहाँ के हालात किस तरीके के हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हालात है, बहुत जबरदस्त लोगों, अच्छे लोगों, जबरदस्त लोगों, असाड़ी बड़ी सेवा के दिन असानो बड़ी खिदमत दिनान, बड़ी सेह दिनान, बड़ी साथ दिनान, असानो जहाज बैठाया नहीं, कहने छोड़ जान दियो आड़ी वैसाखी दी मेले खाते जाने सुखन जाओ आड़ा मेले मेले बिताओ आन दियो अफगानिस्तान सुसाड़े मुड़ के आओ असाड़ी बहुत धनबाद की दिन खानों ने आबाद तुम बच में बची हो। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों बम ब्लास्ट हुए, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, जो अटैक गुरुद्वारों पे हुए, जिस तरीके से वो तो पहलो आए, लेकिन तो जलवा था, वो तो पहलो आए असि जलवा दे जलालबाद चाहे हम बस जलालबाद की खबरें के काबिल जिस की तैयारी है कार लेके गुरुद्वारा का गुरनान दरबार देखा, एक सरदार जी भी शहीद हो गया, दो पठन भी शहीद हो गए, वो तो सारी संगत की काबिल की वो लोगों ने मिलकर के दिन और लोगों ने तालिबान मिले तालिबान साथ साढ़ लोगों ने दीती मुड़ के गुरनान दरबार साढ़ा कुछ अच्छी लगाया कुछ नहीं लगाया मुड़ के दरबार साढ़ा उन्होंने लोगों ने बढ़ाए हुए और दरबार साढ़ तस्लीम है वाहगुरु की कृपा नाल गुल गुलजारे शहनशाह गुरुद्वारा बने हुए कुछ मुश्किल होने सारी फैली और साड़ी संगत दस कुछ मुश्किल नहीं है तो मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं है। इंडिया आए हो, सरकार का धन्यवाद करते हो? हाँ, बहुत धन्यवाद करें, बहुत खुश हैं आड़ी मजहब की आड़ी तारन की नगरी से आया हूँ, बहुत धन्यवाद करना थोड़े को बहुत करना वाहगुरु जी करना। अभी कितने लोग वहाँ पर रह गए हैं? उधर बाकी रह गए ना 20 नफर रह गए, 25 नफर रह गए। अफगानिस्तान कितनी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबी की किताब लै गए और सी छोड़ने क्यों तुम्हें अफगानिस्तान की खोलो अफगानिस्तान देखा अफगानिस्तान छोड़ जान दो असान और ममलकत साढ़े बुरे कहते तो सारी किताबें छोड़ने किताब छोड़ने बाबा स्वरूप नचिया रवन असि रख सकते रखो ना रख सको मिजो नहीं रख रो रखो जो मुड़ के आंदो आओ मस्जिद की किताब ने ले जाओ सारा कोई मुश्किल नहीं असान बहुत लोगों लोगों पहले लोग आए गड़बड़ी बैदे हूँ गड़बड़ी नहीं हूँ सारी कंट्रोल चुकी है सब कुछ दाएश माए लेंदे दूर हो चाह भी एक बंदा पैदल जाते हुए कहना नालती कर मरते एक काम उड़ा लेंदे काम बहुत खराब कर लेंगे। बस अपना नाम बताइएगा। पहले नाम बलजीत सिंह है। बलजीत जी, किस तरीके के हालात हैं? बस हालात ऐसे हैं, अच्छी है खराब भी हैं, जो अफगानिस्तान में गड़बड़ चल रहा है और हमारे को कोई बंदे ने आजार अजियत नहीं किया है, आराम से आए हैं इधर। लेकिन गुरुद्वारे पे अटैक भी हुआ था? गुरुद्वारे में अटैक भी हुआ था, पहले हुआ था। और तो इंडिया आके खुश हैं आप? खुश हैं, हाँ क्यों नहीं है, अपना शहर है, अपना बंदे हैं, अब ऐसे तो नहीं। अभी किस तरीके की मुश्किलें वहाँ पर आ रही है? उधर तो ऐसी मुश्किल आ रहे हैं, धमाके ज़्यादा हैं, हम खुद भी उधर बंदी था, हम उधर जेल में फंसा हुआ था, कितने 4-5 महीने जेल में फंसा हुआ था, वो तालिबान ने अजियत मजियत कुछ नहीं किया है, तो उधर थोड़ा से एडमिट किया है उधर हमारे लिए उसी खातिर। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं अफगानिस्तान जलालाबाद से आया हुआ हूँ। आप अफगानिस्तान से आए हैं, अभी किस तरीके मौजूदा समय में किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर? हालात तो अभी भी वैसी है हालात, और बात यही कि वहाँ पर हम सिखों का भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब हमारे कितने बंदे अभी भी रह रहे हैं गुरुद्वारे की सेवा के लिए रह रहे हैं, और वहाँ पर उनकी मुश्किलात ज़्यादा थी, वो भी मारे और कोई बचा नहीं है अफगानिस्तान में अभी तक, और तालिबान भी हमारे साथ अभी तक तो कुछ नहीं किया नहीं है, लेकिन हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से अटैक के बाद हालात और ख़राब हो गए थे? हालात तो वैसे ही पहले से ही ख़राब थे, लेकिन अभी ऐसे है कि सब लोग मुसलमान भी वहाँ पर वहाँ से निकल रहा है। हाँ जी, और सरदारों की तो बिल्कुल कोई है नहीं, सिर्फ 10-15 बंदे रह रहे हैं गुरुद्वारे की सेवा के लिए रह रहे हैं, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब तो है वहाँ पर है, अभी वो जो सेवा कर रहे हैं अफगानिस्तान में वो अपने साथ ही लेकर आएंगे। अभी कितने सिख वहाँ पर रह गए हैं? 11-15-20 सिख रह रहे हैं गुरुद्वारे की हिफाजत के लिए, और वो भी मारे तो थोड़ी मुश्किल वहाँ पर गुरुद्वारे की है, और हमारे वहाँ पर गुरुद्वारे की जायदाद और उसके लिए रह रहे हैं वहाँ पर। हाँ जी, हाँ हालात हूँ फिलहाल हालात जेड़ा ही ठीक है, बहुत इतना ख़राब नहीं, पहले जेड़ा आया बहुत ख़राब आया, लोग परेशान हैं, कम कार नहीं है, इस रंग एक करंसी वो भी हूँ दिन ब दिन जयीफ होंगे, लोग कम कार नहीं है, परेशानी बहुत है, लोग मजबूर है कि बस पासे दुई पासे निकल जाओ, बहुत परेशानी बहुत है। सारा काम धंधा छोड़ के आए हैं? बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए हैं खालिया। अभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी वहाँ पर हाँ जी आए, काबुल भी आए,
ते गजनी भी है हाँ शायद इसी कितना रोजगार गुरुद्व से भी इसी आ जा सी सरकार से मांग करते हैं जो लोग वहाँ पर रह गए उनको भी बीजेपी हाँ जी हाँ जी हाँ सारे सारे इंशाल्लाह 15-20 दिन कर सारे लोग आ जाए हाँ जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद तो साढ़े को बहुत बहुत पहले अपना नाम बताइएगा किरणदीप सिंह रणवीर जी अभी आप कितने बच्चे थे वहाँ पर अभी अगर फ्लाइट की बात करें कितने लोग आए हैं आप सात बच्चे आए हैं हाँ अच्छा डर लगता था वहाँ पर रहने में हाँ किस तरीके का डर था कितना डर लगता था आपको बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पर कंडीशन कैसी है अच्छा है वहाँ पे वो कितने लोग हैं अभी अभी पता नहीं मुझे लेकिन अगर बात करें वहाँ पर खेलने में भी डर लगता था स्कूल हाँ परिवार जेड़े आखिरी साढ़े भैणा भरा काबुल च रह गए सी वो बहुत खुशी की गल है अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दे अपार किरपा होई है कि वह सुखी सांदी अपने वतन भारत आए ने असी उन्हों का खैर मकदम करते हैं मेरे नाल राम शरण जी जो इंचार्ज ने गुरद्वारा साहब के जिन्होंने बड़ी सेवा की जो बहुत संगत असी 543 परिवार जो 3 जहाज भेजे पिछले साल उदों कढ़े फिर उस तो बाद इंडियन एयरफोर्स के प्लेन भी गए जो तालिबान का कब्जा हो गया फिर हूँ 60 परिवार है अज 55 परिवार मनसा सिंह जी प्रधान सरदार गुरनाम सिंह जी भी साढ़े नाल ने छबोल सिंह जी भी सरदार छबोल सिंह जी सुखबीर सिंह जी पाली सिंह जी जलालाबाद की संगत दे प्रधान भी साढ़े नाल ने ये सारे इत्थे अज पहुँचे ने मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धाबी साहब मेरे वड्डे भाई उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिता और असी तो 3 सालों तो सरदार दलीप सिंह सेठी जेड़े स्वर्गवास हो गए खजिंदर सिंह जी स्वर्गवास हो गए परमजीत सिंह बेदी ये छबोल सिंह जी और नाल अपना प्रताप सिंह जी ये सारे असी माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी प्रोग्राम उस अकाल पुरख वाहिगुरु के नाल जड़ा असी बाहें जिन्हों की पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए उदे असी इन्हों की बाँह फड़ीए ये साडा परिवार ने असी 543 फैमिलीज़ नू माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी दिल्ली के महावीर नगर प्रताप नगर रीहैबिलिटेट किया उन्हों के मकाना का किराया उन्हों के बच्चों की पढ़ाई उन्होंने मैडिकल इंश्योरेंस नाल ही अज जे 55 परिवार आए ने उन्होंने भी असी रीहैबिलिटेट करांगे और मैं जाति तौर पर ये जुम्मा चुकया है हुण मैं राम शरण जी नूं कहांगा नहीं हुण साडे खाली उत्थे 2 बीड़ा अभी अभी पता नहीं कितने 20 बनने बाकी हैं 20 के करीब लोग रह गए हैं और कुछ गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ है गुरुद्वारा साहब में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और सारी तालिबान से बात चल रही है वो भी आ जाएंगे लेकिन मेजर जो बच्चे और हमारी बहनें माताएं वो आज आ गई हैं वो आज सेवादारी बच्चे हैं बच्चे कितने होंगे आज 15 इसमें 55 फैमिलीज में 20 बच्चे हैं इनफैक्ट आपने देखा अभी कैसे लेके आए हैं मैं राम शरण जी और मनसा सिंह जी को बोलूँगा हाँ ओ असी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नू मांग की है जयशंकर जी ने गल भी की है JP सिंह जी भी गल कर रहे हैं वो जोड़े गुरुद्वारे ने ईवन तालिबान भी कह रहे हैं असी नहीं कह रहे वो कह रहे साडा हैरीटेज है ता ही उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब भी कुछ तो सानू इत्थे छड्डो तुसी पिछे मैनूस्क्रिप्ट भी लै गए ये तालिबान भी कह रहे हैं भी साडा हैरीटेज है पर हुण उत्थे क्योंकि ये माली जानी नुकसान का डर सी असी असली अपने भरावां भैणां नू कढ़िया ते इन्हां नू असी इत्थे रीहैबिलिटेट करावांगे जदों तक भी वाहिगुरु सानू बख्शेगा।